कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में सीमा पर भी चुनौती देने की कोशिश हुई। हमारे वीर जवानों के हौसले और कुशलता ने सटीक जवाब दिया है, हर हिंदुस्तानी को इस बात पर गर्व है। मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारे जवान डट करके खड़े रहे हैं। तमाम साथियों ने भी हमारे जवानों के शौर्य की सराहना की है, मैं उनका आभारी हूं। एलएसी पर जो स्थिति बनी है उस पर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है और देश को भली भांति देख भी रहा है और गर्व भी कर रहा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हमारी प्रतिबद्धता में किसी प्रकार की ढील आने का सवाल ही नहीं होता है, गुंजाइश ही नहीं है। और जो लोग हमारा लालन पालन और हमारे विचारों का हमारा उच्छेद देखते हैं वो कभी इस विषय में हमें सवाल ही नहीं करेंगे, उनको मालूम है हम इसके लिए डटे हुए रहने वाले लोग हैं और इसलिए हम इन विषयों में कहीं पर भी पीछे नहीं है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन की उत्तम चर्चा के लिए मैं सबका धन्यवाद करते हुए आखिर में एक मंत्र का उल्लेख करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। हमारे यहां वेदों में एक महान विचार प्राप्त होता है, वो हम सब के लिए 130 करोड़ देशवासियों के लिए, ये मंत्र अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। वेदों का ये मंत्र कहता है, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा, अयुतम में चक्षु हो, अयुतम श्रोत्रम, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा, अयुतम में चक्षु हो, अयुतम श्रोत्रम, यानी मैं एक नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ करोड़ों मानवों को देखता हूं, अनुभव करता हूं, इसलिए मेरी आत्मिक शक्ति करोड़ों की है, मेरे साथ करोड़ों की दृष्टि है, मेरे साथ करोड़ों की श्रवण शक्ति कर्म शक्ति भी है। आदरणीय सभापति जी, वेदों की इसी भावना से, इसी चेतना से 130 करोड़ से अधिक देशवासियों वाला भारत सबको साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज 130 करोड़ देशवासियों के सपने आज हिंदुस्तान के सपने हैं। आज 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाएं इस देश की आकांक्षाएं हैं। आज 130 करोड़ देशवासियों का भविष्य भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है और इसलिए आज जब देश नीतियां बना रहा है, प्रयास कर रहा है, तो वो केवल तत्कालीन हानि लाभ के लिए नहीं, लेकिन एक लंबे दूरगामी और 2047 में देश जब आजादी का शतक मनाएगा तब देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपनों को लेकर के नींव रखी जा रही है और मुझे विश्वास है कि इस काम को हम पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के लिए मैं उनका आदरपूर्वक धन्यवाद करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, सदन में भी जिस तरह चर्चा हुई और मैं सच बताता हूं, चर्चा का स्तर भी अच्छा था, वातावरण भी अच्छा था, ये ठीक है, इससे कितने लाभ होते हैं, मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे और घर में भी खिचड़ी चलती होगी, अब इतना गुस्सा यहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया, आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे, तो ये आनंद जो आपको मिला है इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए,
चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राइट राइट, ही सेड इट, ही इज योर रीडर, प्लीज फॉलो द रीडर।